नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 7 जनवरी। आइए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। दरभंगा जिले में जल्द ही खुलेगा बिहार का अगला एम्स। उक्त बातें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे ने की है। उन्होंने आगे कहा है कि पटना में बने एम्स के बाद अब दरभंगा वासियों को भी एम्स की सुविधा मिलेगी, जिसके लिए जल्द ही अधिसूचना भी जारी कर दी जाएगी। इसके आगे उन्होंने कहा कि हमने एम्स के लिए फाइल पर हस्ताक्षर कर दिया है, बहुत जल्द उस पर काम शुरू हो जाएगा। सारा काम होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन भी करवाया जाएगा। मधेपुरा वासियों को नहीं मिली मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक झलक। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मधेपुरा जिले के दौरे पर आम जनजीवन का भारी हुजूम उनकी एक झलक पाने के लिए इकट्ठा हुआ था, मगर सुरक्षा घेरा मजबूत होने के कारण उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने जल जीवन हरियाली यात्रा के तहत मधेपुरा पहुंचे थे, जहां पर उनकी एक झलक पाने के लिए लोग सुबह से ही जमा होना शुरू हो गए थे, मगर आम जनता की प्रवेश की अनुमति नहीं होने के कारण किसी को भी मुख्यमंत्री को देखने के लिए जाने नहीं दिया गया। ठंड के कारण मौसम विभाग ने जारी किया अपना पूर्वानुमान। बिहार के कई हिस्सों में पछुआ हवा चलने के कारण मौसम विभाग ने अपना पूर्वानुमान जारी किया है, जिसके तहत मौसम विभाग ने यह साफ कहा है कि पटना, गया और आसपास के इलाकों में बादलों का आना जाना लगा रहेगा। इतना ही नहीं, 8 और 9 जनवरी को बिहार के कुछ जिलों में बारिश होने की भी संभावना जताई गई है, जिससे कि आने वाले कुछ दिनों तक ठंड से आम जनजीवन को राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं जताई गई है। पीजीटी और टीजीटी समेत शिक्षकों के 3,552 पदों पर निकाली रिक्तियां। डीएसएसएसबी यानी कि दिल्ली अधीनित सेवा चयन बोर्ड ने पीजीटी टीजीटी संगीत शिक्षकों और शारीरिक शिक्षा से संबंधित शिक्षकों के भर्ती के लिए 3,552 पदों पर ऑनलाइन आवेदन की मांग की है, जिसके लिए उम्मीदवारों को पहले लिखित परीक्षा के प्रक्रिया से होकर गुजरना होगा। उसके बाद साक्षात्कार के आधार पर इन पदों के लिए उपयुक्त उम्मीदवार का चयन किया जाएगा। इन पदों के लिए अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इच्छुक अभ्यर्थी के पास संबंधित विषय में मास्टर्स की डिग्री होना अनिवार्य होगा। इसके अलावा उम्मीदवारों के बैचलर्स इन एजुकेशन या फिर डिप्लोमा की डिग्री होना अनिवार्य होगा। इच्छुक अभ्यर्थी 23 फरवरी तक dssb.delhi.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। लोहड़ी 13 को तो वहीं 15 को मनाई जाएगी मकर संक्रांति। साल की शुरुआत में कई तरह के पर्व मनाए जाते हैं, जिसमें लोहड़ी और मकर संक्रांति अहम है। हर साल लोहड़ी मकर संक्रांति के पहले मनाई जाती है, इस बार 13 तारीख को मनाई जाएगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, सिख समुदाय यह पर्व प्रकृति को धन्यवाद करने के लिए मनाते हैं। वहीं इस साल 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाएगी। ज्ञात हो, इस दिन स्नान, सूर्य उपासना, जप, अनुष्ठान, दान दक्षिणा का बहुत ज्यादा महत्व है। मुजफ्फरपुर के एक साधारण किसान का बेटा बना एयरफोर्स में ऑफिसर। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी प्रखंड के माधोपुर गांव के रहने वाले अंकित आनंद पर आज बिहार समेत पूरे देश को नाज है। अपनी मेहनत और जज्बे से उन्होंने सफलता का मुकाम हासिल किया है। ज्ञात हो, माधोपुर गांव के अंकित की नियुक्ति एयरफोर्स में बतौर फ्लाइंग ऑफिसर हुई है, जिसके पश्चात अब अंकित को भारत के वायुसेना का हेलीकॉप्टर उड़ाने का सुनहरा मौका मिलने वाला है। अंकित की सफलता से समूचे देश को उस पर गर्व है। बिहार की स्वीटी कुमारी को मिला इंटरनेशनल यंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड। बिहार के नवादा जिले से निकली स्वीटी कुमारी ने अपनी उपलब्धियों से बिहार के साथ साथ पूरे देश का नाम रोशन किया है। हाल ही में रग्बी खिलाड़ी स्वीटी को इंटरनेशनल यंग प्लेयर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है, जिसके बाद से समूचे देश में खुशी की लहर दौड़ रही है। एक मीडिया हाउस से खास बातचीत में स्वीटी ने बताया कि उन्हें बचपन से ही खेलने कूदने का शौक था। शुरू से ही तेज दौड़ना अच्छा लगता था। बड़े भाई को देखकर एथलेटिक्स सीखना शुरू किया और पता ही नहीं चला कि कब रग्बी खेलना सीख गई। रणजी ट्रॉफी में अभिजीत की गेंदबाजी ने बिहार को दिलाई जीत। हाल ही में हुए बिहार और मिजोरम के बीच रणजी ट्रॉफी में बिहार ने शानदार जीत दर्ज की है, जिसका सारा श्रेय बिहार के अभिजीत साकेत को जाता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मैच के दौरान बिहार हार के करीब पहुंच चुका था, लेकिन अभिजीत की गेंदबाजी ने दूसरी पारी में पूरा खेल ही पलटकर रख दिया और मिजोरम को 6 विकेट से हरा दिया। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, अभिजीत ने दूसरी पारी के शुरुआती 10 ओवर में सामने वाली टीम को 12 रन देकर 7 विकेट झटकाए, जिससे कि बिहार की टीम ने हारे हुए मैच को जीत लिया। UIDAI ने नाम और जन्मतिथि बदलवाने की प्रक्रिया में किए बदलाव। सभी आम नागरिकों के लिए अहम सूचना। आधार कार्ड में नाम और डेट ऑफ बर्थ में बदलाव करवाने की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है, जिसके तहत भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने जन्म की तारीख में बदलाव के लिए एक बार फिर से सुधार की सुविधा दी है, जिसके लिए अब अभिभावकों को पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे जरूरी दस्तावेजों में से कोई एक जमा करवाना होगा। वहीं आधार कार्ड में नंबर और अन्य बदलावों के लिए किसी भी प्रकार के दस्तावेजों की जरूरत नहीं पड़ने का भी ऐलान किया है। बिहार स्वास्थ्य समिति ने 238 पदों पर निकाली रिक्तियां। बिहार स्वास्थ्य समिति ने अलग अलग श्रेणी के लिए कुल मिलाकर 238 पदों पर रिक्तियां निकाली, जिसमें DEIC मैनेजर कम कोऑर्डिनेटर, ऑप्टोमेट्रिस्ट, डेंटल टेक्नीशियन, ऑडियोलॉजिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट समेत कई अन्य पदों के लिए रिक्तियां निकाली गई हैं। इन पदों के लिए अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों को अपने डिपार्टमेंट के अनुसार योग्यता के बारे में सारी जानकारी बिहार स्वास्थ्य समिति की आधिकारिक वेबसाइट www.statehealthsocietybihar.org पर जाकर लेना होगा और साथ ही 20 जनवरी तक सभी आवेदक आवेदन भर सकते हैं।
साल 2020 के कैलेंडर में 33 छुट्टियां की गई अनिवार्य। बिहार सरकार ने साल 2020 का कैलेंडर जारी कर दिया है। इतना ही नहीं, बिहार सरकार ने 2020 की अवकाश सूची भी जारी कर दी है, जिसके तहत बिहार सरकार ने सार्वजनिक अवकाश के तहत सार्वजनिक और निजी दोनों बैंकों में 33 छुट्टियां अनिवार्य कर दी है, जिसे 3 राष्ट्रीय अवकाश भी हैं। सरकार द्वारा जारी किए गए इस कैलेंडर के अनुसार ही अधिकारियों को छुट्टियां प्रदान की जाएंगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भागलपुर दौरा हुआ तय। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भागलपुर दौरे पर मुहर लगा दी गई है, जिसके तहत अब मुख्यमंत्री नीतीश 9 जनवरी को भागलपुर जाएंगे। उनके आगमन को लेकर जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठकर लगभग 10 बिंदुओं पर जानकारी की मांग की है। साथ ही साथ सभी अधिकारियों को इसके लिए एक परफॉर्मा भी भेजा है। जारी किए गए परफॉर्मा के आधार पर ही जिलाधिकारी समय समय पर अधिकारियों से प्रशासनिक स्तर पर चल रही तैयारियों का जायजा लेंगे। केबीसी के मन से 5 करोड़ की राशि जीतने वाले सुशील कुमार कर रहे हैं ये काम। बिहार के चंपारण जिले के रहने वाले सुशील कुमार ने केबीसी के मंच पर 5 करोड़ की राशि जीती थी। सुशील कुमार चंपारण जिले में हरियाली को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, जिसके तहत सुशील ने एक साल के अंदर चंपारण जिले में 70,000 से ज्यादा पेड़ लगाने का काम किया है, जिसके लिए हर कोई उनकी प्रशंसा कर रहा है। औरंगाबाद के पवई माली और चंदनगढ़ का किला में देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। पवई माली और चंदनगढ़ का किला को उन साक्ष्यों के रूप में देखा जाता है जो मध्यकाल के दौरान ही राजस्थानियों के आने और बसने का सबूत पेश करते हैं। खंडर के रूप में आज भी ये उस समय की स्मृति को बनाए हुए हैं, जिसका दर्शन करने यहाँ कई लोग हर साल आते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खोला सिंहेश्वर में पर्यटन द्वार। अपने जल जीवन हरियाली यात्रा के तहत मधेपुरा पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाबा भोले की नगरी के नाम से प्रसिद्ध सिंहेश्वर में पर्यटन क्षेत्र की संभावनाओं पर मुहर लगा दी है। दरअसल आपको बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन के लिए मधेपुरा में प्रशासन ने बेकार पड़ी जगह को सजाया संवारा था, जिसके बाद से ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उस जगह को बतौर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना पर मुहर लगा दी। कुशवाहा ने मुख्यमंत्री नीतीश के श्रृंखला के सामने खड़ी की अपनी कतार। जल जीवन हरियाली के तहत 19 जनवरी को आयोजित होने वाली इस कार्यक्रम में अब सियासत शुरू हो गई है, जहां अब रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नक्शे कदम पर चल पड़े हैं, जिसके तहत उपेंद्र कुशवाहा ने 24 जनवरी को कतार लगाने का ऐलान कर दिया है, जिसका नारा उन्होंने गढ़ा है, हमें चाहिए शिक्षा एवं रोजगार, इसलिए है ये कतार। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते, रालोसपा यह कतार 24 जनवरी को कर्पूरी ठाकुर की जयंती के शुभ अवसर पर बनाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले किया ऐलान। इस चुनावी साल में हर कोई जनता से किए गए वादों को पूरा करने की जुगत में लगा हुआ है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कुछ ही दिनों पूर्व अपने किए गए एक ऐलान को पूरा करने का आह्वान किया है, जिसमें उन्होंने हर घर में नल का जल पहुंचाने का वादा किया था। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुपौल जिले के पीपरा में जल जीवन हरियाली यात्रा के तहत जागरूकता सम्मेलन को संबोधित करने के दौरान यह कहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने सुपौल के पीपरा में 241 योजनाओं का शिलान्यास भी किया। सुशील मोदी ने एक बार फिर लालू यादव पर की टिप्पणी। उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और लालू यादव बीते कुछ दिनों से एक दूसरे के साथ ट्वीट का खेल खेल रहे हैं। कभी सुशील मोदी लालू यादव पर तंज कसते हैं, तो कभी लालू यादव सुशील मोदी पर। इसी क्रम में एक बार फिर सुशील मोदी ने लालू यादव पर तंज का सिलसिला जारी रखते हुए ट्वीट करते हुए कहा है कि रिम्स में रह रहे लालू यादव आजकल जिस तरीके से हेमंत सोरेन के साथ आए दिन मिलकर वहां सभा लगा रहे हैं, ये नियमों के खिलाफ है। लालू यादव से मिलने की अनुमति केवल शनिवार को ही होती है, तो इस तरीके से हर रोज उन्हें मिलने की अनुमति देना ये नियम तोड़ना है। मैं आग्रह करूंगा कि गृह मंत्रालय और प्रशासन जल्द ही इस मामले की जाँच करे। सीएए पर भ्रम दूर करने के लिए घर घर जा रहे हैं भाजपा। नागरिकता संशोधन विधेयक पर देश भर में जारी विरोध को ध्यान में रखते हुए भाजपा ने नया कदम उठाने का फैसला लिया है, जिसके तहत भाजपा के नेता अब घर घर जाकर लोगों को सीएए के बारे में जागरूक कर रहे हैं और साथ ही सरकार द्वारा इसको लागू करने के प्रमुख कारणों से अवगत करवा रहे हैं, जिसकी शुरुआत भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल की अध्यक्षता में शुरू भी कर दी गई है, जिसके पश्चात बिहार के विभिन्न जिलों में भाजपा कार्यकर्ता लोगों को जागरूक करने में जुट गए हैं। रघुवंश प्रसाद ने नीतीश को वापस महागठबंधन में लाने के दिए संकेत। राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और लालू के बेहद करीबी माने जाने वाले रघुवंश प्रसाद सिंह ने नीतीश कुमार को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। रघुवंश प्रसाद ने हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गठबंधन सरकार में वापसी के संकेत दिए हैं और कहा है कि राजद के अंदरखाने में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वापसी की बातें चल रही हैं, जिस पर तेजस्वी का यह मानना है कि नीतीश जब तक भाजपा का साथ नहीं छोड़ते तब तक उनसे कोई बातचीत नहीं की जाएगी। एक बार जब वो भाजपा के साथ अपना गठबंधन तोड़ लेंगे तब हम उन्हें गठबंधन में शामिल करने की बात पर सोच विचार करेंगे। फोर्ब्स मैगजीन में कन्हैया कुमार और प्रशांत किशोर को मिली जगह। विश्व की प्रतिष्ठित फोर्ब्स मैगजीन ने टॉप 20 पावरफुल लोगों की सूची जारी की, जिसमें जेएनयू के पूर्व छात्र कन्हैया कुमार को जगह दी गई है और यह भी साफ किया है कि आगामी दशक के कन्हैया निर्णायक चेहरे हो सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, फोर्ब्स द्वारा जारी की गई इस सूची में कन्हैया कुमार के अलावा जदयू के वर्तमान उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर का भी नाम शामिल है। आमिर खान की नई फिल्म लाल सिंह चड्ढा का नया लुकाया सामने।
आमिर खान की नई फिल्म लाल सिंह चड्ढा का नया लुक सामने आ गया है, जिसमें आमिर खान बड़े ही नए अंदाज में नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया साइट पर आमिर खान की शेयर की गई इस तस्वीर में आमिर लंबी लंबी दाढ़ी और लंबे बाल में नजर आ रहे हैं। उन्होंने जींस और टी शर्ट भी पहन रखी है और साथ ही एक कैप भी लगाया हुआ है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, आमिर खान की इस अपकमिंग फिल्म में उनके साथ करीना कपूर खान भी नजर आने वाली है। भारत और श्रीलंका के बीच आज होगा दूसरा T20। तीन T20 मैचों का पहला T20 रद्द होने के बाद सभी की नजरें आज इंदौर के होलकर स्टेडियम में टिकी है, जहां आज शाम 7 बजे से भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा T20 खेला जाएगा। पहले T20 के टॉस के दौरान कप्तान कोहली ने अंतिम एकादश की घोषणा की थी। वहीं आज के मैच की प्लेइंग 11 भी हो सकती है। प्लेइंग 11 में शामिल है विराट कोहली, शिखर धवन, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, शिवम दुबे, वॉशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और नवदीप सैनी। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। इस कड़ाके की ठंड में फिलहाल लोगों को राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। ऐसे में आइए जानते हैं सराफा बाजार लोगों को राहत देने का मन बना रही है या नहीं। सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 6 जनवरी को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 39,010 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 40,010 रुपए था, यानी कि सोना पिछले दिन के मुकाबले कल ज्यादा गर्म रहा। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 50,300 रुपए था, यानी कि साफ तौर पर चांदी के भाव में गिरावट दर्ज की गई है। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 80.37 रुपए प्रति लीटर थी, डीजल 73.44 रुपए प्रति लीटर था। आइए बढ़ते हैं मौसम की खबरों की ओर। बिहार में लगातार ठंड का असर बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं मौसम विभाग का पूर्वानुमान क्या कहता है। किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, पटना, पूर्णिया, बेगूसराय, भागलपुर, अररिया, बांका, अरवल, सारण, दरभंगा, गया, शेखपुरा, सीतामढ़ी, कटिहार, समस्तीपुर, सुपौल, कैमूर, मधेपुरा, नालंदा, नवादा, सहरसा में हल्की धूप के साथ ही मौसम में ठंड का असर बढ़ेगा, तो कहीं कहीं बादलों के कारण बारिश होने की भी संभावना है। तो वहीं औरंगाबाद, भोजपुर, छपरा, बक्सर, ईस्ट चंपारण, जमुई, गोपालगंज, वेस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर, खगड़िया, वैशाली, सिवान, रोहतास, जहानाबाद, शिवहर में मौसम में ठंड का असर बढ़ेगा, मगर कई जगहों पर बादल भी छाएंगे तो वहीं कोहरे का प्रभाव भी देखने को मिलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। तो आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। भाजपा द्वारा हर घर जाकर CAA की महत्ता को समझाना कितना कारगर रहेगा। अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये हमारा वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।